नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। इस खास मौके पर दुनिया भर में उन्हें याद किया जाता है। दुनिया भर में लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हम भी बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आज हम उनके पास बैठकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार की सियासत में बापू किस तरह छाए हुए हैं, किस तरह उनके नाम को लेकर लोग राजनीति करते हैं। इसी मसले पर हम बात करेंगे वीरेंद्र यादव न्यूज के संपादक वीरेंद्र यादव जी से। वीरेंद्र जी, राज नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। ये बताएं कि जिस तरह से 30 जनवरी को बापू की पुण्यतिथि है और ये एक सार्वजनिक मौका होता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करने का, लेकिन अगर हम विस्तार में जाएं, व्यापक स्तर पर देखें, तो बापू को लेकर के जो राजनीति होती है बिहार में, नीतीश कुमार से लेकर के राजनीति का काका गागा शुरुआत करने वाले कई प्रशांत किशोर तक बापू के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बिहार की राजनीति में या देश की राजनीति में सबसे बड़ा कोई नाम है पॉलिटिकली तो है महात्मा गांधी का नाम। हर धारा हर विचार के लोग उनको इस या उस अवसर पर याद करते हैं, तो उनकी तो उपयोगिता है ही हर जगह। अब जैसे बिहार की बात है, तो जब नीतीश कुमार जी की जो जब 15 के बाद सत्ता में वापस आए आरजेडी के साथ में, उन्होंने फिर तो नीतीश महात्मा गांधी की ब्रांडिंग कर दी। उन्होंने महात्मा गांधी के नाम पर सबको शुरू किया कि हम शराबबंदी कर रहे हैं, कि महात्मा गांधी जा रहे थे तो महात्मा गांधी को शराब से जोड़ के भी उसकी ब्रांडिंग की गई। आप उसी दौर में देखिएगा कि नीतीश जी उस समय पूरे हर सरकारी किताब में सरकारी कार्यालयों में महात्मा गांधी के 7 पाप जो लिखा है, 7 कौन कौन से 7 पाप हैं जो महात्मा गांधी मानते थे कहते थे, उसमें ये भी बहुत सारे पाप थे। नीतीश जी ने कहा कि भाई ये पाप से बचना चाहिए, गांधी जी कहते हैं, हम कहते हैं गांधी जी के सद विचार हैं, इन चीज़ से बचना चाहिए आदमी को। तो स्वाभाविक है कि उनकी गांधी का इतनी उपयोगिता है या आम जीवन में गांधी इतने मन में बैठे हुए हैं कि आदमी आज भी गांधी जी को श्रद्धा के भाव से देखते हैं। जो उनका योगदान रहा देश की आज़ादी में, देश के नवनिर्माण में या देश में एक विचारधारा खड़ा करने में, उस बड़ा योगदान था उनका, उनके संघर्षों का, उनकी अपनी कार्य पद्धति का। तो स्वाभाविक रूप से लोग उसको इस्तेमाल मतलब उसका इस्तेमाल भी करते हैं, उसका अनुकरण भी करते हैं। ऐसे कहा अपने यहाँ बिहार में प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने जब शुरुआत की अपनी यात्रा, उसका नाम का सुराज, उन्होंने बकायदा गांधी को ढो रहे हैं उस पूरी यात्रा में। गांधी की प्रतिमा रहती है, फोटो रहता है, उनका डिजाइन बना रहता है, वो चला रहे हैं। जो भारत में लागू स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी शुरू किया सरकार के स्तर पर, वहाँ भी उनके चश्मा में स्वच्छ भारत आ गया। तो गांधी चूँकि इतना आम जनजीवन बने मन में बने बैठे हैं, रुपये पे हैं जो अलग है, वो तो रुपये तो अलग, वो तो अभी सरकारी निर्णय होता है, वो तो रूपये पक्ष में गांधी के प्रति सम्मान व्यक्त करने का तरीका था। जब 2004-05 में कांग्रेस सत्ता में आई थी तो शुरू किया था मनरेगा, गांधी के नाम शुरू किया था उन्होंने। तो गांधी तो बिहार या देश की पॉलिटिकल खून में बसे हुए हैं, जिसे हर जगह चाहे आपकी धारा कोई भी हो, आप गांधी को नकार नहीं सकते, गांधी की उपयोगिता को अस्वीकार नहीं कर सकते, आप विरोध नहीं कर सकते, उनका विरोध करना भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी पूरी रणनीति देश की पूरी नीति भी गांधी के विचारों से जुड़ी हुई है। गांधी के विचारों से देश का कोई भी शख्स नकार नहीं सकता, खास करके जो पॉलिटिक्स करते हैं वो उन्हें नकार नहीं सकते। गांधी को लेकर बिहार में शराबबंदी की गई, लेकिन शराबबंदी जरूर की गई, लेकिन उसका उस तरह से असर नहीं दिखता जिस तरह से गांधी की बात करके, उनकी ईमानदारी, उनकी सच्चाई, उनके रहने का ढंग की बात करके राजनेता जो हैं राजनीति करते हैं। शराबबंदी बिहार में हुई थी, गांधी जी के परोक्ष रूप से कहते रहे कि भाई गांधी जी कहते थे शराब मत पियो, हम कह रहे हैं शराब मत पियो इसलिए बंद करो, लेकिन उसका गांधी के कहने और उसको लागू करने में बहुत जो अंतर होता है। तो गांधी जी कहते थे आपने सिर्फ उसको मतलब नीतीश जो अपना शराबबंदी का पॉलिसी लगा रहा है उसको सिर्फ मतलब जस्टिफाई करने के लिए गांधी जी को ढोया उन्होंने, क्योंकि गांधी जी
के कारण को शराब पिता ना कुछ छोड़ता है, जो पीना होता है पीता ही रहता है, गांधी रहे चाहे न रहे, उसके क्या मतलब है। तो जो शराब पिएगा उसको गांधी जी कहे नहीं पीना, इसलिए कोई नहीं पिएगा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक उसका पोलिटिकल उपयोग था, उस धारा का पोलिटिकल इस्तेमाल था, उन्होंने नीतीश ने किया, उसको हर कोई करता है जहाँ लगता है कि हाँ जहाँ फिट बैठे गांधी फिट बैठेगा फिट कर लो, शराबबंदी में गांधी फिट बैठे रहते, जो गांधी कहते शराब मत पियो फिट बैठे, नीतीश ने उसको फिटिंग मतलब उस फ्रेम में खड़ा कर दिया गांधी जी को लाकर, शराबबंदी गांधी जी का कहते थे हम भी कह रहे हैं आप मत पीजिए, यही था उनका। ये बताएं कि जिस तरह से प्रशांत किशोर ने गांधी के नाम पर यात्रा शुरू की, उन्होंने जिस यात्रा का नाम ही रखा है जन सुराज यात्रा, तो जन सुराज यात्रा आपको लगता है कि मतलब उन्होंने जिस तरह से शुरुआत की या जो सोच के शुरुआत की, उसका मकसद जो है जिस तरह से उनके यात्रा में भीड़ जुटती है या जहां से शुरुआत हुई थी पश्चिम चंपारण से, जब वो शुरुआत किए थे तो मैं उसका साक्षी था, मैं भी गया था, तो क्या वहां पे जिस तरह से लोग जुटे थे, तो ऐसे में तो लगता है कि गांधी को फॉलो करने वाले गांधी को मानने वाले बहुत कम लोग हैं। देखिए, भीड़ अलग चीज़ होती है, विचार अलग चीज़ होती है, और विचार को बचना अलग चीज़ है, तीनों का आपस में संबंध नहीं है। गांधी, मैंने कहा कि गांधी जन जन में रचे बसे हैं, उनके नाम पे लगता है कि गांधी अपनी बातों को लोगों को पहुँचाना आसान होता है। इसी जब शुरू किया चंपारण से बिहार भी है अपनी यात्रा शुरू की पदयात्रा, तो उन्होंने लगा कि उनको लगा कि गांधी जैसे नाम है जिनका संपर्क चंपारण से रहा है, जिनका संबंध बिहार से रहा है, तो क्यों ना हम उसी ब्रांड को जो गांधी ब्रांड देश में चल रहा है बिहार में चल रहा है उसी को फिर हम अपने ढंग से ब्रांडिंग करके पब्लिक के बीच में रखें। तो उसी नाम नाम की ब्रांडिंग है, हर कोई गांधी को बेच ही रहा है लेकिन उसको ब्रांड बदल बदल कर लोग कर रहे हैं उसका। जैसे समाजवादी का ब्रांड गांधी अलग है, नीतीश का गांधी अलग है, भाजपा का गांधी अलग है, सब गांधी कहाँ कोई नकारता है, भाजपा भी पुण्यतिथि मनाती है, गांधी जी की जयंती मनाती है, हर जो बिहार की भारत जो भी पॉलिटिक्स करेगा उस गांधी को, जैसे आप संविधान स्वीकार करते हैं ना उसे आप गांधी स्वीकार करना पड़ेगा आपको। कांग्रेस तो कहते रही है कि बीजेपी जो है गांधी की कातिल है, और गांधी के इस का जो कत्ल हुआ, जो हत्या हुई उनकी, वो कहीं ना कहीं आरएसएस के इशारे पे हुए, उनके लोगों के द्वारा की गई, गोडसे को लेकर एक तरफ बीजेपी के लोग गोडसे के मंदिर भी बनाते हैं, तो कंट्राडिक्शन नहीं है? देखिए, जो आरोप लगाती है कांग्रेस पॉलिटिकल एजेंडा है, तो गांधी का हदस को मतलब नहीं है, और जो गांधी को लोग पूजा कर रहे हैं, गांधी गोडसे को पूजा मूर्ति बना रहे हैं, उसका कोई गांधी के धारस को मतलब ही नहीं है, शुद्ध दोनों का अपना अपना पॉलिटिकल एजेंडा है वो, उसमें कहीं गांधी का विचार का मतलब धार से मतलब है। उस पूरे प्रकरण में गांधी को लेकर हत्या के आरोप और आरोप के हत्यारे के आरोप को पूजन करना एकदम अलग मामला है, गांधी से कोई मतलब नहीं चीज़ का, गांधी के धारा से कोई मतलब, उनको गांधी के विचार से कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का, मेरा ये मानना। वो अपसी सूत्र पॉलिटिकल एजेंडा है, भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, उसमें गांधी का ही नहीं है, सिर्फ गांधी के नाम पर अपनी अपनी दुकानदारी है उस मामले में, बाकी उसका कोई मतलब गांधी की विचारधारा से उनकी हत्या या हत्यारे की पूजन कोई मतलब नहीं है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से पश्चिम चंपारण की धरती पर आकर गांधी जो है मशहूर हो गए, गांधी का पूरे देश ही नहीं दुनिया में नाम हो गया, गांधी का पश्चिम चंपारण का आंदोलन इतिहास बन गया, क्या आपको लगता है कि गांधी जिस तरह से चीज़ों को फैलाए आज उसी तरह से प्रासंगिक हैं, लोग उनके मानने वाले हैं? देखिए, इससे बड़ा अच्छा मामला ये है, राम देश में एक हुए, कृष्ण एक हुए, राम कथा बच्चा हजारों हुए, कृष्ण कथा बच्चा हजारों हुए, कोई राम बना क्या आज तक, कोई कृष्ण बना क्या, कथावाचक हैं। उसी तरह गांधी गांधी हैं, ये लोग गांधी कथावाचक हैं, गांधी विचारवाचक विचार ढोर से कोई भाई कि गांधी का कथावाचन कर रहे हैं ये लोग, जैसे राम कथावाचन होता है, राम कथावाचन राम की चरित्र और कथावाचक चरित्र कोई संबंध नहीं है। एक उस एक राम का जो ब्रांड है या कृष्ण का जो ब्रांड है, उनकी जो आस्था जो लोगों को पड़ती है, उसकी उसका जो अपना बाजार है उसको बेचने का तरीका है ये गांधी। इस तरह की कथा गांधी कथा वचन है, गांधी के विचार का ढोने का मतलब नहीं इससे, इसी गांधी कथा जैसे राम कथा वचन है, फलां जी राम कथा वाचक हैं, फलां जी कृष्ण कथा वाचक हैं, महा क्या भव्य जो कई तरह के चलते रहती हैं, वही कथावाचक के लोग हैं ये लोग, मतलब गांधी के धारा ढोने वाले लोग नहीं है, गांधी को कथा लोग ढो रहे हैं। ये शुद्ध रूप में कहें तो ये लोग जो हैं गांधी के नाम पर अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे कि जितने बाबा लोग राम के नाम पर कथा वचन कर रहे हैं, श्याम के नाम पर कर रहे हैं, अपने कथा बेच रहे हैं, वो
अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, उससे कृष्ण का कोई मतलब नहीं, कथा से कृष्ण का मतलब नहीं है, राम का मतलब नहीं है, क्योंकि उनको कथा बेचना है। इस तरह यहाँ लोग फिलहाल गांधी कथा बेच रहे हैं, लोग जो धार्मिक पक्ष है वो राम कथा वाच बेच विक्रेता है, ये गांधी कथा विक्रेता है, बात इतनी सी है। सब लोग बेच ही रहा है उस धारा से, कोई तो धर्म के आधार पे ना विचार के आधार पे उसको कोई ढोल ही रहा है, सिर्फ लोग बेच रहे हैं उसको। अब देखते हैं कि हम जब जब भी पटना स्टेशन जाते हैं, अनाउंस किया जाता है कि बापू जो है पहली बार वो तारीख बताई जाती है कि इस तारीख को पटना की धरती पे पाटलिपुत्रा पे अपना कदम रखे थे, यहाँ से पश्चिम चंपारण गए थे और नील की खेती के जो को लेकर के उन्होंने जो विरोध आंदोलन चलाया था किसानों अंग्रेजों के खिलाफ, इसके बाद ही बापू है जो व्यापक रूप से देश में जाने गए। ये बताएं वीरेंद्र जी कि जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर और दूसरे नेता गांधी का इस्तेमाल मार्केटिंग के तौर पर हैं, क्या जनता उनकी इस मार्केटिंग की चाल को नहीं समझती? सब समझती है, उसको भी आनंद आता है सुनने में। जो राम कथावाचक भीड़ लगती है ना, लोग झूमते हैं ना, राम कथावाचक यही होता है, नीतीश कथा गांधी कथावाचक यही होता है कि सब लोग झूमते हैं, लेकिन उसका उसका जीवन शैली को मतलब नहीं है। इन कथावचनों कथावाचकों का या विचारों का आम आदमी का भीड़ लगाने का माध्यम सकता है कथा, उसका जिन कि गांधी का दौर अलग था, स्थितियाँ अलग थी, लोग अलग थे, लोगों की पीड़ा अलग थी, अब सब कुछ बदल गया है, तो हो बहुत कहाँ संभव है वो। इसलिए गांधी कथा वाचन ही होगा, राम कथा वाचन ही होगा, किस कथा वाचन ही होगा, उसका विचार उस विचारधारा से जीना तो कोई जीने वाले हैं न जीना संभव है। तो कुल मिलाकर गांधी एक विचारधारा हैं और वे आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि उनके नाम लेकर नेता अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, चाहे वो सीएम नीतीश कुमार हों जो पिछले 20 सालों से बिहार की राजनीति में छाए हुए हैं, या राजनीति का डेगा डेगी देने वाले या राजनीति की शुरुआत की कोशिश करने वाले प्रशांत किशोर हों।